समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है जी। 8 से लेके 9 ऐसे एमओयू पर साइन होंगे जिन पर दोनों देशों की स्वीकृति लगभग मिल चुकी है और चाहे वो रक्षा क्षेत्र के सहयोग हो, चाहे वो हेल्थ से जुड़े हुए मामले हो। सीधा प्रसारण आप मस्कट के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं और उनका औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया है और अब वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम अंसारी लगातार जुड़े हुए हैं। नदीम, काफी अहम कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने ओमान के बारे में खास तौर पर लिखा था कि 11 फरवरी को मस्कट में एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने का उनको इंतजार है और काफी उत्साह उन्होंने दिखाया था। इस कार्यक्रम के बारे में कुछ खास बताएं कि कैसी तैयारी है। बिल्कुल लाचंद, जहां तक आज शाम के भारतीय समुदाय के कार्यक्रम का सवाल है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लगभग 30,000 से ज्यादा भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए
बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। कल हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गए थे, कई लोगों से बातचीत की, लगातार रिहर्सल लोगों ने की है और छोटे छोटे बच्चों में भी इतना ज्यादा उत्साह है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए, और सबके लिए ये एक गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में, भारत से ओमान आए हैं और ओमान में यहाँ के जो लोग हैं भारतीय उनको संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर लोगों का उत्साह देखने लायक था और इसके अलावा जो तैयारियां थी कई दिनों से चल रही थी और साथ ही साथ जो यहाँ पर 8 लाख भारतीय यहाँ पर काम काज के सिलसिले में, यहाँ पर रोजगार के सिलसिले में ओमान में हैं, वो इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं, प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। और वैसे भी आपको याद है प्रधानमंत्री कि जब भी कोई विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो जरूरी तौर पर वहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हैं। इसके कई उदाहरण हम पिछली यात्राओं में देख चुके हैं और आज भी जो शाम को जो कार्यक्रम होगा वो एक भव्य रूप में आपके सामने होगा और लोग बेसब्री से स्टेडियम में लगभग 1 बजे से, यहाँ के समय के मुताबिक 1 बजे से पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिया है और वो कार्यक्रम आज शाम लगभग 8 बजे भारतीय समय के मुताबिक शुरू होगा। तो कुल मिलाकर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हैं और कार्यक्रम को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। लालचंद जी, नदीम, प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान मस्कट में 200 साल पुराने एक शिव मंदिर का भी वो दौरा करेंगी, ये कार्यक्रम कब है उनका? जी लालचंद, प्रधानमंत्री के ओमान दौरे में कल ये कार्यक्रम होगा जिसमें एक यहाँ का जो प्राचीन शिव मंदिर है वो प्राचीन शिव मंदिर का दौरा करेंगे और वहाँ पर कुछ देर, कुछ समय बिताएंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे और उसके साथ